जी अच्छा जी बताइए, क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? सर, हमने रोगों का कारण पढ़ा था कि बुद्धि बुद्धि धैर्य स्मृति बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य अशुभ कार्य करने लगता है सर। उससे शारीरिक, जी मानसिक और दोष प्रकोपित हो जाते हैं, जिससे हमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उसके ठीक है बाद जी, हमने फिर मानस प्रकृति पढ़ी थी, जिसमें सात्विक, ठीक है राजसिक। ठीक है ठीक है जी ओके सर। जी 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 नेक्स्ट और कोई बताएगा? दीपाली शर्मा जी बताएंगे उससे आगे का। सर, मैंने नोट्स नहीं बनाए इसके, मैं क्लास नहीं करी थी, तो जो आपको याद है थोड़ा बहुत सब वो बताइए। मैंने ये रस का ही देखा था, रस और दोषों में संबंध और रस और धातु का संबंध। बता दीजिए, दोषों का रसों का मलों का आपस में क्या संबंध है वो बता दीजिएगा। हाँ, रस और मल का मधुर, अम्ल और लवण से मल पदार्थों में के विसर्जन में सहायक होते हैं, और कब्ज, उदर विकारों को दूर कर उदर विकारों के लिए प्रभावकारी होते हैं ये। और कटु, तिक्त और कषाय जो रस है, वो मल पदार्थों को धारण करने में सहायक होते हैं, और अतिसार आदि रोगों को के शमन में उपयोगी होते हैं ये। जी बहुत बढ़िया, नेक्स्ट कोई बताएगा इससे आगे? धातु का और दोषों का आपस में क्या संबंध है? जी सर, मधुर, अम्ल, लवण, रस जो होते हैं वो धातुओं में वृद्धि करते हैं, और कटु, तिक्त, कषाय जो होते हैं वो धातुओं में क्षय में मतलब कमी करते हैं उनको। और जो एक दो जो रस है, तिक्त रस, ये क्षय कारक है उसमें, मेद, मज्जा और लसिका में। और जो अम्ल रस है वो शुक्र का क्षय कारक है, मतलब इसको हानि पहुंचती है इस चीज से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इससे आगे हमने क्या पढ़ा था कोई बताएगा? सर, हम लोग ये पढ़ते हैं कि मल निकालने में सहायक जो रस होते हैं वो तीन होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण। और मल को रोकने में जो बाधा उत्पन्न डालती है वो है कटु, तिक्त, कषाय। और रस का जो विभाजन देखे थे उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, विधायी और अविधायी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। विदाही क्या होता जी? सर, विधायी वो होता है जो पाचन के समय जो जलन पैदा करते हैं अपने पेट में, उदर में, उसको विदाई बोलते हैं। और अविदाई वो होता है जो जिस हमारे पाचन के समय जो जनन पैदा ना करता हो, वो अविदाई कहलाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमने कुछ पूर्व कर्म पढ़े थे, कुछ पश्चात कर्म पढ़े थे, कोई बताएगा क्या होते हैं? सर, पूर्व कर्म तो सनेहन और संवेदन होते हैं, और पश्चात कर्म होते हैं संसर्जन, समन और रसायन। सर, ठीक है जी, पंचकोश क्या होते हैं हमारे? पंचकर्म बोलते हैं जिनको, पंचकर्म। वमन, विरेचन, मुक्ति और नश्य और रक्त मोक्षण। सर, ठीक है वमन जी, कफ दोष दूर करता है, और विरेचन होता है वो पित्त दोष दूर करता है, और बस्ती होती है वो वात दोष दूर करता है, और नस्य सर कफ दोष दूर करता है, जो नस्य औषधि होती है जो नाक में डाली जाती है ना, औषधि से बनाई जाती है, और हमारे कफ दोष दूर करने के काम आते हैं। और रक्त मोक्षण होते हैं सर, दूषित रक्त को दूर करते हैं, जैसे आपने बताया था वो जोंक होती है उनको स्किन पे चिपका के, और फिर जो वो गंदा खून है वो उनको चूस लेती है, वो वाला। जी। विरेचन क्या होता है ज्योति जी? एचन होता है जैसे ये लूज मोशन के थ्रू उसका वो करना। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। सर, लीच और जोंक एक ही होते हैं क्या? हाँ, जोंक के टाइप होते हैं जी बहुत सारे, उसमें से वो लीच एक है। वैसे तो जोंक बहुत तरह की होती है, टाइप्स होते हैं उनके, मतलब जोंक प्रजाति है उसके, फिर अन्य अन्य प्रकार है उस जोंक प्रजाति की, उनमें से एक प्रजाति होती है जोंक की, उसी को बोलते हैं लीव थेरेपी। उसके हेल्प से जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, इम्प्योरिटी बाहर आ जाती है। होती वही है, वो अलग अलग तरह की जोक होती हैं।
ठीक है, जैसे आप ओके ठीक है, जैसे देखने में एक जैसी, मतलब उनकी शेप भी अलग होती है पर वो काउंट उन्हीं में होती है कि जोक, ये भी जोक होती है। ओके सर, ठीक है जी। ओके सर। मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ जी मेरे को ये दीपाली जी। शालक्य तंत्र मतलब शलाका संबंधी जो ये आयुर्वेद में अष्टांग आयुर्वेद में था वो मेरे को समझ नहीं आया था, पर ये क्वेश्चन उसको था। नसक शालक्य ना, नस हाँ शलाका संबंधी जो सालक, चिकित्सा। हाँ उसमें है ना आपकी आई नोज ईयर थ्रोट, जो इसका ईएनटी डॉक्टर होते हैं, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, तो आप हाँ बस ये समझ लीजिए वो शालक के में आते हैं। ओके थैंक यू सर। ठीक है जी। आंख नाक कान गले के जो स्पेशलिस्ट होते हैं ऐसे ही इसमें भी होते हैं, उनको शालक के तंत्र के अंतर्गत माना जाता जी सर, थैंक यू। है। जी। कोई हमें ये बताएगा कि हमारे शरीर और मन के जो दोष हैं तो किन से हमारे रजस प्रकृति बढ़ती है? सर मन मन सब संबंधी दोष से। ठीक से है जी। और शरीर संबंधी दोषों से? बातचीत कम। ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारे सात्विक तत्व को कम करता है? सर रजस और तमस दोनों ही हमारे सात्विक उसको कम करते हैं, दूषित करते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमने शरीर के भेद भी पढ़े थे, शरीर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, कोई बताएगा कैमरा ऑन करके? जी सौरभ जी बताइए। पर हमने चार प्रकार के शरीर के भेद पढ़े थे, जिसमें एक जरायुज था, अंडज था, स्वेदज था और उद्भिज था। जरायुज में क्या जी होता है, जो गर्भ से पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य होता है या और भी प्राणी होते हैं, पशु पक्षी पशु, और अंडज से जो अंडों के माध्यम से पैदा होते हैं, और सर एक था जी स्वेदज जो पसीने रोग पसीने आदि से आते हैं, और उद्भिज में आते हैं जो जमीन फाड़ कर पैदा होते हैं, जैसे केंचुए आदि। जी जी ठीक है जी। और उसके बाद हमने पढ़ा था, दिनचर्या पढ़ी थी, दिनचर्या ही पढ़ी है ना? यस सर, स्वास्थ्य वृत्त के दो टाइप बताए, दिनचर्या और रात्रिचर्या करके। दिनचर्या और रात्रिचर्या पढ़ी थी हमने। दिनचर्या में वही था, हम जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का जो काम करते हैं वो हमारे दिनचर्या में आते हैं, और उसका एक अभिन्न अंग है उसको रात्रिचर्या, वो है दिनचर्या का ही एक छोटा पार्ट। उसमें हमारी निद्रा और ब्रह्मचर्य ये दो आते हैं, इसको ध्यान से याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आता है निद्रा या ब्रह्मचर्य, कुछ ही एक को पूछ लेंगे। निद्रा किसका प्रकार है, किसका अभिन्न अंग है, दिनचर्या का रात्रिचर्या का? ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। और त्रिदंडवत जो है, जो सॉरी जो हमारे आधार स्तंभ है, वहां भी आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य दोनों का जिक्र है, निद्रा का भी और ब्रह्मचर्य का भी। और वहां भी आपने पढ़ा था कि ये दोनों रात्रिचर्या के अंग हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, आज हमने पढ़ना है रात्रि ऋतुचर्या। दिनचर्या और रात्रिचर्या हमने पढ़ ली थी, और हम पढ़ते हैं अब क्या का डाउनलोड, डाउनलोड नहीं हुआ। चलो मैं पुरानी पीडीएफ से पढ़ाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो देखते हैं पीछे की क्लास में किसी का कोई डाउट तो नहीं है? सर मेरा थोड़ा सा डाउट है सर। हाँ जी बोलिए। सर जो आपने मानस प्रकृति बताई थी ना, तो उसमें सात्विक है ना, उसके नीचे जो आपने बताए हुए हैं वो सर सारा हमको याद करना पड़ेगा। नहीं, बस आप ऐसे समझिए कि वो सात्विक प्रकृति है, जो उसके भेद कितने हैं, रजस अच्छा प्रकृति के कितने हैं, तमस प्रकृति के कितने भेद हैं, और टोटल कितनी है। ठीक है, ओके ठीक है जी, इतना सा याद रखना बस आपको। ओके।
हम पढ़ते हैं ऋतुचर्या। ऋतुचर्या में हमें हमारे 12 महीने होते हैं और हर 2 महीने की एक ऋतु होती है। एक महीना जिसमें पूरा होता है और उससे पहले वाला महीना आधा होता है और उसके बाद वाला महीना भी आधा होता है। ऐसे करके आधा ये, पूरा ये, आधा ये, तब करके 2 महीने की एक ऋतु बनती है। फिर नेक्स्ट भी ऐसे ही बनती है। ऐसे करके हमारे 12 महीने की 6 ऋतुएं बनती है। ठीक है जी। ये हमारी ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी बोलते हैं। गर्मी के बाद हमारा वर्षा ऋतु आती है स्टार्ट। वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है। शरद के बाद हेमंत आती है। हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आती है। शिशिर के बाद बसंत ऋतु आती है। ठीक है। अब हमने ये पढ़ना है। आप जब आपने पढ़ा होगा ना सीजनल फ्रूट खाने चाहिए, तो ये सीजन है आपके, 6 सीजन। ठीक है। प्री विंटर, विंटर, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम। मीनू जी माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, सर सॉरी ऋतुचर्या पढ़ते हैं। विभिन्न ऋतुओं में जो भी आचरण योग्य आहार विहार किया जाता है, विभिन्न ऋतुओं में यानी 6 के 6 ऋतुओं में जो भी हम आचरण योग्य आहार विहार जो भी करते हैं, जो आहार मतलब जो भी हम खाना खान पान होता है हमारा, विहार उसके हिसाब से हम जो जीते हमारा लाइफस्टाइल। ठीक है। जैसे सर्दी आ गई, सर्दियों में कपड़े पहनने शुरू हो गए। सर्दी जाने कोई तो हल्के गर्म बीच के कपड़े पहनने शुरू हुए। गर्मी शुरू हुई और पतले कपड़े, सूती कपड़े, खादी के कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनने पड़े शुरू कर दिया हमने। ठीक है। तो जो हमारा आहार और विहार जो भी किया जाता है इन ऋतु में, उसे ही ऋतुचर्या के अंतर्गत माना जाता है। सामान्यतः एक वर्ष में 3 मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी और वर्षा। फिर इनको फिर दो दो भाग में बांटते हैं। यही 3 मौसम 6 ऋतुओं में बट जाते हैं। ऋतु हमारी 6 होती है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ठीक है। हमारे भारतीय मास के अनुसार 12 महीने होते हैं। किसी को याद है हमारे 12 महीने? सर कुछ कुछ याद है सर, कुछ कुछ सुना दो माघ, जी, कोई बात नहीं। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, सर वो अश्विन बोलते हैं, या हमारे यहाँ क्वार बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक, पौष, अगहन, माह, फागुन। ये तो 13 काउंट कर दिया आपने। सर संतोष जी तेरा तो बताएंगी। चैत्र, बैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। आपने सेकंड लास्ट से ऐड ज्यादा कर दिया जिसमें। संतोषी जी अच्छा बताएंगी। जी सर, बाकी चैत्र, ठीक, आपका बैशाख, सीक्वेंस सही था। चैत, ज्येष्ठ, वैशाख। आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। ठीक है। संतोषी, साक्षी जी, साक्षी सिंह। सर हाँ, हरिओम सर। हरिओम जी। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। ठीक है जी। पर आपको ये जो आपने बताया साक्षी जी, ये आपने अपनी जो लोकल लैंग्वेज आपकी उसमें बताए हैं। आप इसको शुद्ध हिंदी में उच्चारण करेंगे, ठीक है? ओके सर हाँ, क्योंकि आप वाले नहीं चलेंगे वहां पे। पढ़ते हैं हम। चैत्र होता है, कहीं लोग चैत बोलते हैं इसको, तो ये चैत्र होता है। वैशाख, इसको जेठ बोल रहे थे आप साक्षी जी, तो ये ज्येष्ठ होता है। फिर आषाढ़ होता है, श्रावण, सावन नहीं होता ये, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, ठीक है, पौष, माघ, फाल्गुन। ये हमारे 12 महीने होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। इन 6 ऋतुओं की भी मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, 3 मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी, वर्षा। ठीक है। अब देखते हैं ये महीने कौन से कौन से। मैंने आपको बताया था ना, एक महीना पूरा होता है, उससे पहले वाला महीना आधा होता है, उसके बाद वाला महीना आधा होता है। ठीक है। तो बसंत ऋतु अभी आई नहीं है, आएगी। ठीक है। तो 15 मार्च से लेके, यानी मार्च के जो एंड वाला मार्च है, वो मिड से लेके एंड तक का, फिर मार्च के बाद अप्रैल पूरा और 14 मई तक का, ये जो महीना होता है ये बसंत में आता है हमारा। ठीक है। ये चैत वैशाख दोनों हो जाते हैं इसमें। फिर आता है ग्रीष्म ऋतु।
ग्रीष्म में 15 मई से लेकर 14 मई यहाँ खत्म हो गई, 15 मई से स्टार्ट हुआ, 15 मई पूरा जून और 14 जुलाई तक का, उसके बाद हल्की हल्की बारिश आनी शुरू हो जाती थी। अब थोड़ा वेदर चेंज हो गया है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से अब बारिश का सब डगमगा सी गया है। ये बहुत पुराना ग्रंथ है तो इसलिए उस हिसाब से लिखे हुए हैं, 15 मई पूरा जून और फिर 14 जुलाई, इसके बाद हल्का हल्का सा बारिश शुरू होने लग जाती थी। ठीक है, तो ऐसे कहने लगे थे सावन के दिन आने शुरू हो गए। ऐसे फिर वर्षा ऋतु में 15 जुलाई या 14 जुलाई खत्म हो गई, 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया, 15 जुलाई पूरा अगस्त 14 सितंबर तक का ये हो गया। फिर आती है शरद ऋतु, शरद ऋतु में 15 सितंबर पूरा अक्टूबर और फिर 14 नवंबर। फिर आता है हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु में माघ शीष और पौष ये महीना चलता है, और इसमें 15 नवंबर पूरा दिसंबर और 14 जनवरी तक का ये होता है। ठीक है, और शिशिर ऋतु होती है, शिशिर ऋतु में क्या होता है, 15 जनवरी पूरा फरवरी और फिर 14 मार्च तक का महीना। अब देखते हैं इनमें बल, बल बोला जाता है मतलब जो हम जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं, जो भी हम भोजन लेते हैं, जिस भी क्या बोलते हैं इसको, आयुर्वेद में क्या पढ़ा था हमने, बल नहीं ऋतु कुछ और पढ़ा था, सब याद वीर आ जाएगा थोड़ी, नहीं वीर्य नहीं कुछ और पढ़ा था, वीर्य तो बल को ही बोलते हैं, जो भी हम आहार के रूप में सेवन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य आयुर्वेद में पढ़ा था। हाँ जी, द्रव्य, जो भी हम द्रव्य सेवन करते हैं उससे हमें एनर्जी कितनी मिलती है, ठीक है, हमारा शरीर उससे कितने रसायन निकाल सकता है, तो वो जो होता है बल, वो बसंत ऋतु में हमारे ठीक ठाक निकलता, मध्यम सा बल हमें मिल मतलब शरीर को ताकत मध्यम से मिल पाती है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ पसीने से वेस्ट हो जाता है हमारा, डिटॉक्स हो जाता है, कुछ यूरिन ज्यादा होता है, प्यास ज्यादा लगती है, तो हैवी चीज हमसे खाई नहीं जाती, हल्का ही खाना खाया जाता है और चीजें भी वही खाई जाती हैं, और एनवायरमेंट में पैदा भी वही चीजें होती है जिनमें पानी ज्यादा हो, जैसे खीरा ककड़ी इन दिनों, ये तरबूज खरबूजा ये चीजें ज्यादा आ जाती है इन दिनों। ठीक है, शिकंजी ज्यादा पी जाती है, सत्तू पिए जाते हैं, तो ऐसी चीजें ज्यादा पी, नींबू पानी शिकंजी ये चीजें ज्यादा पी जाती हैं, जिससे कि हैवी खाना हम खा नहीं सकते, तो इन दिनों हमारे शरीर में ताकत हो जाती है कम। ठीक है, बल कम हो जाता है। वर्षा ऋतु में आपने पढ़ा सबका वात बढ़ जाता है, नॉर्मली सामान्य सबका वात बढ़ता है, तो वर्षा ऋतु में भी हमारा जो है जो शरीर में बल है वो कम ही रहता है, और इन दिनों ज्यादा बीमारियां होती है, डेंगू चिकनगुनिया ये चीजें जो है, घमोरिया ये सारी चीजें इन दिनों आके होती हैं ज्यादा, वो है प्रकृति का नियम है, इन दिनों आके हमें बुखार देखना, आप खांसी जुकाम बुखार टाइफाइड गला रुकना ये बहुत सारी बीमारियां इन दिनों आके हो ही जाती है, और आप देखेंगे तो कोविड भी इन्हीं दिनों ज्यादा माना गया था। उसके बाद आता है शरद ऋतु, 15 सितंबर से 14 जनवरी तक का, 15 सितंबर से 14 नवंबर तक का, इसमें हमें फिर से ठंड आनी शुरू हो जाती है, तो हल्का हल्का में फिर से भोजन से हमें ताकत मिलने शुरू हो जाती है। हेमंत ऋतु 15 नवंबर से 14 जनवरी थी, इसमें हमें श्रेष्ठ बल होता है, क्योंकि इन दिनों है ना जो आहार का जो सेवन किया जाता है द्रव्य का, उसमें चिकना ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है, और हैवी चीजें ज्यादा खाई जाए, ड्राई फ्रूट्स इसमें ज्यादा खाए जाते हैं, सर्दियों में लोग पंजाबी लोग जैसे पिनिया डालते हैं, और नॉर्थ इंडिया में और अलग अलग तरह की डिश होती हैं, वो अपने लोकल फूड्स होते हैं, वो डाल कुछ भी मतलब ऐसे खाने पीने की चीजें वो डालते हैं ऐसे, तो उनका सेवन होता है, उनसे हमें बल श्रेष्ठ मिलता है, यानी कि बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, वही ताकत है जो हमें आगे चल के इसमें देखेंगे आप आगे चल के हमें जो, क्योंकि इन दिनों हम पानी नहीं पी, पानी ज्यादा पीते हैं, हैवी फूड ऐसा खाते नहीं, तो जो ये श्रेष्ठ बल है हमें जो हेमंत और शिशिर में मिलता है, यही जाके हमारी गर्मी और वर्षा ऋतु में हमारे शरीर को चलाता है, और इन दिनों हमारे शरीर में से फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे कमजोरी से जब होने लग जाती है, तब फिर यह चीजें हमें अच्छी भी लगती है, और शरीर इनका सेवन भी कर पाता है अच्छे से और ग्रहण भी कर पाता है। ठीक है, इन दिनों देखेंगे आप तिल ज्यादा खाए जाते हैं, गुड़ ज्यादा खाए जाते हैं, मूंगफलियां ज्यादा खाए जाते हैं, तो हर चीज में तेल होता है, तिल में भी तेल होता है, मूंगफलियों में भी तेल होता है, ठीक है, तो ये चीजें इन दिनों ज्यादा खाई जाती। इन ऋतुओं का जो आधार है वो सूर्य की गति है, सूर्य की गति पे इनका निर्भर किया जाता है कि कौन सी ऋतु आ गई अब कौन सी नहीं आई है। ठीक है, जिसे आयन कहा जाता है,
आयन दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तर आयन एक दक्षिण आयन, इसको उत्तरायण और दक्षिण आयन ऐसे बोलते हैं। उत्तरायण को आदान काल भी बोलते हैं, विषर्य काल, दक्षिणायन को विषर्य काल बोलते हैं। उत्तरायण में सूर्य की गति उत्तर की ओर होती है, दक्षिणायन में सूर्य की गति दक्षिण की ओर होती है। उत्तरायण दक्षिणायन पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या होता है, सूर्य की गति उत्तर की ओर होती है इसमें, और माघ से लेके आषाढ़ तक का जो होता है हमारा, माघ से लेके आषाढ़ तक का देख लेते हैं। ये हमारा माघ का महीना आ गया, पौष माघ, माघ से लेके और आषाढ़ तक का, ठीक है। यानी कि शिशिर ऋतु तो स्टार्ट होने से लेके शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, यहाँ आके हमारा आषाढ़ खत्म होता है। तो तीन ऋतुएं जो होती है वो उत्तरायण में आती हैं, और जो तीन बच गई आषाढ़ के बाद से, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु, तो ये हमारी दक्षिणायन में आ जाए, ठीक है। वर्षा, शरद और हेमंत, इस काल में सूर्य की किरणें प्रखर और हवाएं तीव्र, गर्म और रुक्ष होती हैं, और ये पृथ्वी के जलीय अंश को सोख लेती हैं, ठीक है। शारीरिक शक्ति में कमी होती है, व्यक्ति दुर्बलता का अनुभव करता है इसमें। ये कुछ गलत नहीं हो गया? ये चीजें उल्टी लिखी गई है ना? पर ग्रीष्म तो बोल रहे हैं आप, इसी में आएगी शायद। हाँ, ये लाइन उल्टी लिखी गई, गलत लिखी गई ये लाइन इसमें, क्योंकि इसमें सूर्य की किरणें प्रखर तो होती नहीं, इनमें तो ठंड होती है। पर सर ग्रीष्म ऋतु तो इसी में आती है ना। कहाँ आती इसमें ग्रीष्म ऋतु? आ रही अभी शायद। जेठ आषाढ़, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इस काल में सूर्य की किरणें प्रखर होती हैं और हवाएं तीव्र, गर्म और रुक्ष होती हैं, और ये पृथ्वी के जलीय अंश को सोख लेती हैं। शारीरिक शक्ति में कमी होती है, व्यक्ति दुर्बलता का अनुभव करता है, ठीक है। दक्षिणायन काल जो होता है इसमें सूर्य की गति दक्षिण की ओर होती है। श्रावण से लेके पौष मास जो होता है इसमें वर्षा, शरद और हेमंत तीनों ऋतुएं होती हैं, इसे विषर्य काल भी कहा जाता है। इसमें सूर्य की किरणें के मंद व सौम्य के कारण वातावरण में रस जो होता है, जलीय तत्व की वृद्धि होती है, और वातावरण में चंद्रमा के सौम्य गुणों की प्रधानता होती है, ताप कम हो जाता है। वातावरण में शीतल होने के कारण औषधियां और खाद्य पदार्थों में चिकनापन ज्यादा आ जाती है, स्निग्धता आ जाती है, और इसमें मनुष्य और अन्य प्राणियों में शारीरिक शक्ति में वृद्धि होने लगती है, ठीक है जी। और भी बड़ा हो गया। अब पढ़ते हैं आदान काल और विषर्य काल में आपस में भेद क्या है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा दोनों का। सूर्य उत्तरायण में होता है, आदान काल में उत्तरायण में होता है, यानी कि उत्तर की ओर इसकी दिशा होती है, गति होती है इसकी जो, ठीक है, किरणों की, और विषर्य काल में दक्षिणायन की ओर होती है। वायु इसमें तीव्र होती है वायु, और रुक्ष होती है इसमें, अरुक्ष होती है और मंद होती है, इसमें स्लो चलती है, इसमें फास्ट बहुत तेज हवाएं चलती है, आंधी तूफान इसमें ज्यादा आते हैं, सूखापन होता है इसकी हवा में, और इसमें मॉइस्चर होता है। स्नेहन शोषण होता है और ह्रास होता है इसमें, ठीक है, इसमें वृद्धि होती है और पोषण होता है। स्वभाव स्वभाव इसका आग्नेय होता है और इसका सौम्य होता है। ऋतुएं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु होती है, इसमें वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु होती है। रस जो होता है इसमें कटु, तिक्त, कषाय, और इसमें मधुर, अमल, लवण, ठीक है। देखो जहां वृद्धि होती है वहां मधुर, अमल, लवण, यही पहले तीन आएंगे, ठीक है। फिर पढ़ते हैं ऋतुएं। ऋतु में संचय किस चीज का होता है, प्रकोप किस चीज का होता है, शमन किस चीज का होता है, यानी जो ये दोष है हमारे तीन, वात, पित्त, कफ, कौन से का संचय होना शुरू होता है और कौन किस ऋतु में पीक पर होता है। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए कोई है, और किस ऋतु में कौन से दोष का शमन होना शुरू हो जाता सर वॉइस ब्रेक हो रही है। है। हाँ जी, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कौन सी ऋतु में किस दोष का संचय होता है, यानी कि संचय मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब वो इकट्ठा हो गया तो पीक पे कब हो जाता है, किस ऋतु में कौन सा दोष जाता है,
और उसके बाद समन उसका मतलब वो खत्म होना कब शुरू हो जाता है। वसंत ऋतु में है, इसमें हमारा कफ जो है वो इकट्ठा होके रुक जाता और वो हमें परेशान करता, मतलब पीक पे होता वसंत ऋतु में हमारा कफ, ठीक है। फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, इसमें वात इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, संचय मतलब इकट्ठा होना शुरू हो गया। और कफ है वो कफ ग्रीष्म की वजह से, गर्मी की वजह से कफ का निकलना शुरू, वो शमन होना शुरू हो जाता बॉडी से, वात यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया, कफ कम होना शुरू हो गया, वो अपने आप हो जाता है। ये सबका चलता है, सबके शरीर के साथ होता है। वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु में पित्त इकट्ठा शुरू होना हो जाता है और वात अपना प्रकोप दिखाता है। इसमें हमने पढ़ा था ना वर्षा ऋतु में वात सबका बढ़ता है, ये देखो प्रकोप पे चला गया, ठीक है जी। फिर शरद ऋतु आई, शरद ऋतु में क्या होता है जो पित्त इकट्ठा हुआ था फिर वो पीक पे चला गया, फिर वो अपना असर दिखाना शुरू करेगा और जो वात है वो उसका शमन होना शुरू हो जाएगा। फिर हेमंत ऋतु आई, हेमंत ऋतु में आके पित्त भी खत्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और शिशिर ऋतु में फिर कफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। शिशिर ऋतु में कफ इकट्ठा हुआ, वसंत में जाके उसने अपना रूप दिखाया, ठीक है, कफ से रिलेटेड बीमारियां होनी शुरू हो गई, और जब गर्मी आई तब ये कफ खत्म होना शुरू हो गया। ऐसे गर्मी में वात इकट्ठा शुरू होना हुआ, वर्षा ऋतु में जाके उसने प्रकोप दिखाया अपना, उससे रिलेटेड बीमारियां होनी शुरू हो गई, और शरद ऋतु में जाके ये खत्म हो गया। ऐसे ही पित्त है, पित्त वर्षा ऋतु में स्टार्ट हुआ बनना, धीरे धीरे 2 महीने वो इकट्ठा होएगा, ठीक है, फिर अगले 2 महीने वो अपना तंग करेगा, वो जिसकी भी पित्त से रिलेटेड बीमारियां जो भी होती हैं उनमें वो परेशान करेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आएंगे तो हेमंत ऋतु में आके ठंड सी होने शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे आके घी ज्यादा खाया जाता है और पित्त को शांत करता है चिकना घी, तो यहाँ आके इसका शमन होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? सर एक बार और बता दीजिए जी। हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। 6 ऋतुएं होती हैं हमारी, ठीक है। कौन सी ऋतु में किस दोष, ये हमारे वात पित्त कफ 3 दोष हमने पढ़े थे, किस दोष का संचय होना, संचय मतलब होता है इकट्ठा होना, प्रकोप होता है जब वो इकट्ठा ज्यादा हो गया, ठीक है, जब वो इकट्ठा हो गया भरपूर मात्रा में, फिर वो शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न करेगा, चाहे कोई भी दोष हुआ। आप लोगों को पता है कफ से 20 तरह की होती है, पित्त से 40 तरह की और वात से 80 तरह की बीमारियां होती हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। फिर जब उसके रोग हो गए, ट्रीटमेंट चला जो भी चला, या ऋतु चेंज हुई उसके हिसाब से, उसका सीजनल जो वेदर चेंज हुआ उसके हिसाब से खाना भी चेंज हुआ, जब उसने उस आहार का सेवन किया, उस द्रव्य का सेवन किया, तो आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी प्रॉब्लम थी वो कम होने शुरू हो जाती है। वो नेचुरल है, अगर नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, क्योंकि ऋतु चेंज होगी, ऋतु चेंज होते उसका शमन होना शुरू हो जाता है। तो ये पढ़ना हमने, किस ऋतु में कौन सा दोष अपना इकट्ठा होना शुरू होता है उसका, ठीक है, संचय करता है, फिर वो पीक पे जाके जब वो इकट्ठा खूब मात्रा में हो जाता है तब वो जाके परेशान करता है व्यक्ति के शरीर में, रोग को उत्पन्न करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वापस डल जाता है। पीछे पीछे कोई दूसरा रोग दोष आता है वो इकट्ठा शुरू होना होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ देखो, बसंत ऋतु है, यहाँ से पढ़ते हैं हम, शिशिर ऋतु है, शिशिर ऋतु में कफ इकट्ठा होना शुरू हुआ, ठीक है। फिर आई शिशिर ऋतु से आगे वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में आके कफ तंग करता ही करता है, ठीक है, सर्दियों में जब खूब सर्दियां होती हैं तब ये परेशान करता ही करता है, सबको करता है और सबके साथ है, किसी को कम करता किसी को ज्यादा करता। शरीर की प्रकृति हमने पढ़ी थी, किसी के जन्म से प्रकृति अलग अलग होती है, कुछ होते परिस्थिति जन्य उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। बसंत ऋतु में आके शिशिर में इकट्ठा हुआ, बसंत में आके जब ये खूब मात्रा में इकट्ठा हो गया फिर ये प्रकोप करेगा, इससे रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न होगी, फिर ये 2 महीने परेशान करेगा। फिर ऋतु चेंज हुई, गर्मी आ गई, शरीर में भी गर्मी बढ़ी, खाना भी चेंज हो गया, तो फिर ये क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसका शमन होना शुरू हो जाएगा, गर्मी ऋतु में आके कफ खत्म हो जाएगा हमारा। लेकिन कफ खत्म हो गया, वात बढ़ गया, और हमने पढ़ा था ना 1 2 3 मधुर अमल लवण खाने से कफ बढ़ता है ना, और 3 4 5 कटु तिक्त कषाय का सेवन करने से वात बढ़ता है। अब वात बढ़ गया तो कफ तो अपने आप ही कम होना था, कफ बढ़ा लोगे वात कम हो जाएगा, समझे थे ना हम?
यस सर, वात और कफ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब यहाँ ये इकट्ठा शुरू होना हो गया, इसका शमन होना शुरू हो गया, ठीक है। वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु में क्या हुआ, वात है वो पीक पे चला गया, तो कफ देखो बिल्कुल जीरो हो गया, यहाँ पे मैंने काट रखा है, यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि ये बढ़ गया पूरा, तो ये तो जीरो होना ही था, ये वापस डाउन की तरफ आ गया। पीछे पीछे इसके पित्त आ गया, वर्षा ऋतु में वात बढ़ के अपना प्रकोप दिखाएगा, पीक पे चला जाएगा, पित्त वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा शुरू होना हो जाएगा उसके पीछे पीछे, ठीक है। फिर शरद ऋतु आई, शरद ऋतु में पित्त क्योंकि इकट्ठा होना शुरू हो गया था बारिश में, तो ये इकट्ठा इतना हो गया, अब ये अपना रूप दिखाना शुरू करेगा, पित्त बढ़ेगा तो वात आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। शरद ऋतु में आगे पित्त अपना प्रकोप दिखाएगा और वात शमन होना शुरू हो जाएगा, जितना ये बढ़ता जाएगा इतना ये कम होता जाएगा, ठीक है। हेमंत ऋतु आई, हेमंत ऋतु में आगे पित्त का भी शमन हो जाएगा, और फिर से शिशिर ऋतु आई, कफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब पढ़ते हैं शीतकाल। स्वास्थ्य की दृष्टि से हेमंत व शिशिर ऋतुएं मनुष्य के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि इसमें शरीर में सबसे अधिक बल प्राप्त होता है शरीर को, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर को आराम के साथ साथ भोजन पचाने के लिए अधिक समय मिलता है, ज्यादा चीजें खाई जाती है इसमें, और जिनकी वजह से उसको पचाने का समय होता है उसके पास, क्योंकि रात बड़ी हो जाती है, इसी कारण सर्दी में अधिक भूख लगती है। पाचन शक्ति तीव्र होने से भारी गृष्ट भोजन, गुरु भोजन, ठीक है, वह अधिक मात्रा में लिया गया आहार भी आसानी से पच जाता है, इसलिए शीतकाल में सबसे ज्यादा उपवास नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे सर्दी के दिनों में सबसे कम, हमारे जो सनातन परंपरा है उसके अनुसार देखेंगे तो सबसे कम फास्ट जो होते हैं वो इन्हीं दिनों होते हैं। अब आप और डालेंगे एक महीने, महीने डेढ़ महीने बाद आपके नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, फिर तरह तरह के, पता नहीं नॉर्थ इंडिया की तरफ तो एक त्योहार और आता है बासुडे बोलते हैं उसको, उसके बाद ये बोला जाता है कि अब गर्मी शुरू होने, बासी खाना बंद कर दो खाना, एक त्योहार आता है, हाँ तो ऐसा होता है, तो उसके बाद उपवास होने शुरू हो जाते हैं। उपवास में कम खाना खाना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, ये चलता है इनका, ठीक है। तो शीतकाल में सबसे कम उपवास रखने चाहिए, होते ही नहीं उपवास में। अब अगर अपने सनातन परंपरा में देखेंगे, भारतीय परंपरा में, तो इनमें सबसे कम उपवास होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है शीतकाल में उपवास रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, सबसे कम उपवास किस ऋतु में रखा जाता है, किस सीजन में रखा जाता है, ठीक है। तो ये हेमंत और शिशिर ऋतुओं में सबसे कम उपवास रखे जाते हैं। ऐसे ऐसे जो हटके पॉइंट होते हैं ना उनको कैच किया करो। शीत ऋतु में पथ्य आहार, पथ्य मतलब आप सभी जानते हैं जो हमारे लिए लाभकारी हो, चिकनाई, घी से युक्त, मतलब चिकने पदार्थ खाने चाहिए, घी वाले, तेल वाले, मधुर, मीठे, लवण, अमल, रस युक्त तथा पोषक तत्वों वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। है? नहीं कटेगा इसमें, ये गलती से लिखेगा मेरे से फ्लो फ्लो में, सेवन करना चाहिए इनका, ठीक है। और शीत ऋतु में अपथ्य आहार क्या होते हैं? शीत ऋतु में हल्के, रूखे, वात वर्धक, जो वात को बढ़ाने वाले हैं पदार्थ, और कटु, तिक्त, कषाय रस वाले खाद्य पदार्थ और ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए हितकारी नहीं होते, ये हमारे लिए लाभकारी नहीं होते। ये शीत ऋतु की थी, ठीक है। फिर से बता देता हूं मैं, शीत ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए? चिकनी चीजें ज्यादा खानी चाहिए, जिनमें तेल हो, घी हो, वो चीजें खानी चाहिए, ठीक है। मधुर, अमल, लवण, रस युक्त वाली, जिनमें मधुर रस हो, लवण रस हो, अमल रस हो, वो चीजें खानी चाहिए, वो पोषक तत्वों वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। नहीं काट देना आप, मेरे से गलती से लिखा गया। शीत ऋतु में अपथ्य आहार, अपथ्य आहार में आएगा शीत ऋतु में हल्के, हल्का खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए सर्दियों के दिनों में, रूखा खाना नहीं खाना चाहिए। रूखा मतलब रूखे से, हमने पढ़ा था जब वात के गुणों में पढ़ा था, लक्षण में पढ़ा था, रूखे खाने से वात बढ़ता है, ठीक है। रूखे खाने नहीं खाने चाहिए, क्योंकि अगर आप सूखी सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी घी डाल के खाइए इन दिनों। वात वर्धक पदार्थ, जो वात को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। कटु, तिक्त, कषाय रस वाले खाद्य पदार्थों और ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आती है जी बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में ताजा, हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए, कटु, तिक्त, कषाय युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ठीक है। वसंत ऋतु में अपथ्य आहार क्या है? वसंत ऋतु में भारी,
चिकनाई युक्त खट्टे व मीठे शीत पदार्थों वाले प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ आगे छूट गई ना सारी चीजें हमारी, स्किप हो गई, भारी भोजन सारा छूट गया, चिकनाई युक्त छूट गए, खट्टे मीठे मधुर अमल ये सारे छूट गए। अब शीत प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये अलग अलग चीजें हैं। शीत प्रकृति अलग चीज है और आपने यहाँ पढ़ा ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना, ये अलग चीज है। शीत प्रकृति हमने पढ़ा था विदाही अविदाही ये वो है, ठीक है, जिनको ठंडी तासीर गर्म तासीर वाले पदार्थ बोलते हैं ये वो। फिर आती है गर्मी, गर्म ऋतु में आहार विहार कैसा होना चाहिए हमारा, पथ्य आहार कैसा होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में हल्का चिकना मधुर सुपाच्य शीतल और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए, या ना तरल पदार्थों का या लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए, घी दूध मट्ठे का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में अपथ्य आहार में आएगा हमारा ग्रीष्म ऋतु में उष्ण, ज्यादा उष्ण प्रकृति के खट्टे लवण कटु रूखे और कशैले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तो आप सभी समझ ही जाएंगे, आप किस ऋतु में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वर्षा ऋतु में अपथ्य आहार, वर्षा ऋतु में नमी के कारण वात प्रकोपित होता है और पाचन शक्ति अधिक दुर्बल हो जाती है। वर्षा ऋतु में हल्के सुपाच्य ताजे थोड़े से गर्म और पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, वातनाशक आहार नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आपने एक स्लोगन सुना होगा किसी ने, जो खाए चना वो सदा रहे, बताएंगे कोई, जो खाए चना तना बन रहा है, जो खाए चना वो सदा रहे बना, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि चना जो है चने में बहुत प्रोटीन होता है और अच्छा होता है, पचने में थोड़ा सा समय लेता है, उससे बल बहुत अधिक मिलता है और बल ही है जो हमारे शरीर को चलाता है। पर अगर आप उसको थोड़ा सा लेट कर देंगे, जैसे मान लो आपने स्प्राउट्स बनाए उसके, भिगो के रख दिया, वो उसमें से स्प्राउट्स बन के निकल के वो तैयार हो गया, पर अगर आपने वो ना खाया तो उसमें वात और बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ वात नाशक आहार लेना चाहिए, वात को बढ़ाने वाले नहीं लेने चाहिए, जिसकी वात प्रकृति उसको चने का सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि कोटेशन सही है, जो खाए चना वो सदा रहे बना, पर जो वात प्रकृति के लोग हैं उनको सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है जी। वर्षा ऋतु में पत्ते वाली सब्जियां ठंडे पदार्थ रूखे पदार्थ नहीं लेने चाहिए। वर्षा ऋतु में जब वर्षा बहुत कम होती है तब पित्त का प्रकोप होने लग जाता है और इस समय खट्टे तले हुए बेसन युक्त पदार्थों कटु बासी और पित्त बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु में सूर्य अपने अधिक तेज और गर्मी के साथ चमकता है, जिसकी वजह से शरीर में जमा हुआ पित्त प्रकोपित होने हो जाता है और जिसका परिणाम स्वरूप पित्त के रोग बढ़ने लगते हैं, जैसे बुखार गमोरिया फोड़े पुंसी त्वचा पर चटके आते हैं और खुजली पित्ती पित्ती उछलना आदि विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। शरद ऋतु में पथ्य आहार क्या खाना चाहिए हमें, प्रकोपित पित्त को शांत करने, क्योंकि यहाँ पित्त बहुत बढ़ गया, अब इसको शांत करने के लिए घी, ठीक है, तिक्त कषाय मधुर हल्के सुपाच्य शीतल रस वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, भारी खट्टे नमकीन तथा तीखे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई बताएगा पित्त किन से बढ़ता है, हमारे जो षडरस है उनमें से कोई बताएगा, सर नमक पित्त गर्म तीखा विदाही खट्टा और चटपटा और क्षार पदार्थ खाने से हमारा पित्त बढ़ता है। हमने पढ़ा था पित्त हमारा बढ़ता है, दो तीन चार से पित्त बढ़ता है, ठीक है, तो दो मतलब अमल आ गया ना खट्टे, तीन लवण, हाँ तीन पे लवण था, लवण मतलब नमक वाले, ठीक है, अमल लवण तथा कटु तीखे आ गया ना, तीखे पदार्थों का सेवन वर्जित है क्योंकि पित्त तो पहले ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उसको शांत करना है हमने, तो शांत करने के लिए हमने ये चीजें का सेवन करना चाहिए। और हम बीमार इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता, प्रकृति चेंज हो गई है, सीजन चेंज हो गया, हमें उस सीजन के हिसाब से खाना खाना चाहिए, फिर भी हम खट्टी चीजें नमक वाली ज्यादा या तीखे पदार्थों का सेवन करते रहते हैं, जिससे वो पित्त शांत हो ही नहीं पाता और वो बीमारी हमारी लंबी खींच जाती है।
ऋतु के अनुसार हितकारी खाद्य पदार्थों का सेवन क्या है? बसंत ऋतु में चैत और वैशाख का महीना होता है, इसमें कटु, तिक्त और कषाय इन रस का सेवन करना चाहिए। ठीक है, इनका गुण होता है रुक्षण और उष्ण। ये आप सबको पता ही है कौन से रस का कौन सा गुण होता है। ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना होता है, इसमें मधुर रस खाने चाहिए, चिकने पदार्थों का और ठंडी तासीर वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद होता है, इसमें मधुर अमल लवण का सेवन करना चाहिए, स्निग्ध और उष्ण। ठीक है, शरद ऋतु में आश्विन और कार्तिक का महीना होता है, इसमें मधुर तिक्त और कषाय रसों का सेवन करना चाहिए। मधुर तिक्त और कषाय, यहाँ देखो पित्त बढ़ रहा है तो वो छूट गया, अमल लवण और कटु तीनों स्किप हो गए, रुक्ष और शीतल आ गए इधर। ठीक है, हेमंत ऋतु में आके मधुर अमल लवण का सेवन करना चाहिए, स्निग्ध और उष्ण होते हैं। और शिशिर ऋतु होती है, इसमें भी मधुर अमल और लवण का सेवन करना चाहिए, ये भी हमारे स्निग्ध और उष्ण होते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं ये देख लूं मेरी पीडीएफ बन गई क्या, कुछ एरर आ रहा था उसमें, बनी नहीं है। आपको दूसरी पीडीएफ से पढ़ाता हूँ, तब तक आप बताइए इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, कुछ समझ में नहीं आया तो। सर समझ में तो आ गया, पर ये तो कंफ्यूजिंग हो जाता है, ऐसे लर्न करना पड़ेगा। हाँ ये तो है, थोड़ा सा लर्न तो करना ही पड़ेगा आपको, पर आ जाएंगे समझ में, ऐसी कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात से नहीं, मतलब समझ में आपको सारा है पर ये नहीं पता कि आपको अब कहाँ क्या लगाना, कहाँ क्या लगाना, बस इतना सा समझ में नहीं आ रहा, सब जगह आपको एक जैसा ही दिखता है। हाँ जी सर, इसकी ना पीडीएफ भेज दीजिएगा। भेज देंगे जी। ये मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, तो उस पीडीएफ में आप पढ़ लेना किसके साथ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसके साथ क्या विरुद्ध है, विरुद्ध मतलब उसका अपोजिट क्या है, इनको सेवन नहीं करना चाहिए। दूध के साथ जैसे दही बिल्कुल गलत है, दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, दूली के साथ मूली, मूली के पत्ते, अन्य कच्चे सलाद कभी भी दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। ये सहजन की फली होती है उनको नहीं करना चाहिए, इमली हो गया, खरबूजा हो गया, ये आपको सबको पता है नॉर्मल सी है, खट्टे पदार्थ इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूध के साथ खट्टा पदार्थ एक ही है जिसका आप सेवन कर सकते हैं और आपको कोई रोग नहीं होता, वो होता है आंवला, बाकी कोई खट्टा पदार्थ आप दूध के साथ सेवन नहीं कर सकते। और इनफैक्ट आप अगर मैंगो शेक भी बनाते तो मैंगो भी आपका मीठा होना चाहिए, अगर खट्टा आम अगर आपने सुबह 9-10 बजे भी आपने मैंगो शेक पी लिया तो शाम तक आपको खट्टी खट्टी डकारें आती रहेंगी। ठीक है, दूध के साथ दही तो सबको पता नहीं खानी चाहिए, नमक में हम ये सोचते हैं कि नमक वैसे नहीं खाना चाहिए, पर कई लोग दूध के साथ जैसे पराठे खाते हैं, सब्जी पराठे के साथ ऊपर से चाय पीते हैं, तो सारा इसमें का, क्योंकि चाय में दूध है, पराठे में नमक है। ठीक है, खट्टी चीजों का अन्य खट्टे पदार्थ फल का सेवन नहीं करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, पराठे के साथ सब्जी के साथ पराठे खाते हैं और साथ में चाय पीते, चाय में दूध है और सब्जी में टमाटर भी है, प्याज भी है। ठीक है, तो ये चीजें सारी है। मांस आदि ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इससे स्किन प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है और सबसे ज्यादा रोग होते हैं वो स्किन के ही होते हैं, अगर आप दूध के साथ नमक मिर्च वाली चीजें खाते हैं तो। अगर आप में से कोई है जिसको एक्जिमा, सोरायसिस, दाद, खाज, खुजली ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप ये चीजों को छोड़िए। अगर आप चाय के साथ नमक मिर्च, चाहे आप बिस्किट भी खा रहे हैं नमक वाले, वो भी बंद है, इनको बंद करिए। दही के साथ क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खाना चाहिए, खीर नहीं खानी चाहिए, दूध नहीं, पनीर, गरम पदार्थ, गरम भोजन, खीरा, खरबूजा, ताड़ का फल आदि विरुद्ध है। दही के साथ, दूध के साथ, दूध या दही के साथ, इन दोनों के साथ संबंध है कि इन दूध से बनी हुई कोई भी आइटम आप दूसरी इसके साथ नहीं खा सकते, ना दही के साथ खा सकते हैं, ना दूध के साथ खा सकते, यूं की यूं फॉर्म में नहीं खा सकते, उसका कुछ और बन गया, जैसे गर्म करने के बाद उसका कुछ अलग तासीर चेंज होगी उसकी, तब खा सकते हैं, नहीं तो दही के साथ खीर नहीं खा सकते। आप कहीं शादी वादी में गए या कहीं कहीं भी कोई कीर्तन वगैरह है कहीं भंडारे में, तो अगर वहां पे सब्जी है और खीर है तो आप बेशक पूरी और खीर खा लीजिए, सब्जी को छोड़ दीजिए, या आप सब्जी और पूरी खा लीजिए, खीर को छोड़ दीजिए, कभी कभार चल जाती है, अगर रूटीन में ये चीजें हैं आपकी तब आपको ये नुकसान करती है। और सबसे ज्यादा स्किन प्रॉब्लम होती है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और बहुतों को आराम भी लग गया जब छुड़वाई उन्होंने छोड़ी तो। खीर के साथ कटल, खटाई ये चीजें नहीं खानी चाहिए, सत्तू शराब आदि का सेवन, शहद के साथ आप समझ लेंगे
इसको पढ़ लेना। अब पढ़ते हैं हम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति कैसी प्रकृति होती है। हमने पढ़ा था तीन तरह की प्रकृति होती है, सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में तीन प्रकार के प्रकृति का जिक्र किया गया है। ये आप पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवद गीता आपका टॉपिक है, पढ़ेंगे आप, शायद चंद्र ज्योति मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। सात्विक प्रकृति ये ज्ञान से उत्पन्न होती है, जिसके पास ज्ञान होगा ना वो आहिस्ता आहिस्ता सात्विक प्रकृति की तरफ ही चला जाएगा। आप लोगों में भी कुछ ना कुछ सात्विक प्रकृति का गुण है जो आप योग की तरफ आए, और योग की तरफ आने के बाद हठ योगिक टेक्स्ट जैसे ऐसे जिनको लोग भूलते जा रहे हैं आप उनको पढ़ते जा रहे हो, तो आप में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सा सात्विक गुण छलकता है, इधर आ रहे हैं आप, ज्ञान से उत्पन्न होता है, बस आपने इसको कंटिन्यू करना है, आहिस्ता आहिस्ता आपके ये स्किप हो जाएंगे बाकी वाले। राजसिक प्रकृति जो होती है ये कामना वासना आसक्ति इससे उत्पन्न होती है हमारी इच्छाएं, ठीक है। इच्छाएं आदमी की कभी खत्म नहीं होती, इसलिए आदमी इन्हीं में उलझा रहता है और सात्विक की तरफ बहुत कम जा पाता। तामसिक प्रकृति होती है वो हमारी अज्ञान से उत्पन्न होती है, अंधकार से उत्पन्न होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। जीवात्मा को गुण कैसे बांधते हैं, ठीक है, सात्विक गुण कैसे जो हमारी आत्मा है उसको कैसे बांधते हैं, और राजसिक गुण कैसे बांधते हैं, तामसिक गुण कैसे बांधते हैं। सात्विक गुण जो हम जैसे हैं, जैसे मैं जो भी हूं जैसा भी हूं आज, तो अगर मेरे में सात्विक गुण है तो सात्विक गुण जीवात्मा को सुख ज्ञान और उसके अभिमान से बांधते हैं, उसके ज्ञान वाले अभिमान से बांधते हैं, न कि ये भी सात्विक अभिमान होता है, ठीक है। तो सात्विक गुण जो होते हैं जीवात्मा को सुख में ज्ञान में, ठीक है, उसके अभिमान से बांधते हैं। राजसिक गुण जो होता है, राजसिक गुण जीवात्मा को कर्मों के उनके फल के संबंध से बांधते हैं, ठीक है। कर्म मतलब उसका पहले से टारगेट फिक्स होता है, तूने ये करना है, अगर ये करेगा तेरे को ये अचीव होना है, वो कर्म के फल से संबंध बांधता है। तामसिक प्रकृति जो होती है, तामसिक प्रकृति जो गुण होता है वो जीवात्मा को प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्व प्रकृति से हमें सुख ज्ञान प्राप्त होता है, रजस से कर्म और तम से हमें प्रमाद आलस्य, इनसे हमारे ये गुण बनते हैं। कर्म से रज बन गया, सुख ज्ञान से सत्व प्रकृति बढ़ेगी, और प्रमाद आलस्य निद्रा इनसे तामसिक प्रकृति बढ़ेगी। अगर इनसे छुटकारा लेना है तो आलस्य का निद्रा का प्रमाद का इनका जितना हो सके इनसे बचने की कोशिश करें, ठीक है, तो आप रजस की तरफ जाएंगे, रजस से फिर सात्विक की तरफ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका सात्विक भी छूट जाएगा, हमने पढ़ा पतंजलि के दर्शन में। सत रज व तम के बढ़ने के लक्षण क्या है, सत्व गुण कैसे बढ़ता हमारे अंदर, या किसी ने बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाए। सत्व गुण में अंतःकरण और इंद्रियों में जो चेतनता है और विवेक शक्ति है वो उत्पन्न होती है। अब आप वो सारी चीजें करिए, वो सारे कार्य करिए, वो सारी षटकदम, वो योगिक टैक्स अभ्यास है, वो सारी चीजें करिए जिनसे हमारा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता बढ़े और विवेक शक्ति हमारी वो बढ़े। वो तो अपने आप बढ़ जाएगी जब आप अंतःकरण और इंद्रियों पर चेतनता लाएंगे, ठीक है। इसमें ध्यान हो गया हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, बाकी कुछ ना कुछ आसन भी उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। त्रिदंडवत जो हमने पढ़ा था, शरीर मन और आत्मा, ये तीनों इसमें शुद्धियां हो जाएंगी। रजस जो गुण होता है हमारा, रजोगुण में लोभ ये बढ़ेगा व्यक्ति में, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रवृत्ति, स्वार्थ, स्वार्थ बुद्धि, आशक्ति, भोग विषय भोगों की लालसा आदि उत्पन्न होते हैं इसमें। अगर ये हो रही है तो उसका रजोगुण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं बढ़ाना चाह रहा तो इनको कम करिए, लोभ कम करिए, ठीक है, दिखावा शोभ, ठीक है, आशक्ति अटैचमेंट जो है उसका जितना हो सके उससे बचने की कोशिश करिए। जो भोग विलास की जो लालसा पनपती है, उत्पन्न होती है, उसको थोड़ा सा दबाइए, कम करिए, तो ऐसा ऐसा आपका रजोगुण कम हो जाएगा और आप सात्विक की तरफ चले जाएंगे। तमोगुण जो होता है, तमोगुण में अंतःकरण जो होता है हमारा और इंद्रियों में अप्रकाश अंधकार, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद निद्रा आदि का बढ़ना, ये चीजें इसमें उत्पन्न होती है। इन पे काबू कर लेगा आदमी तो तमोगुण अपने आप दब जाएगा और नेक्स्ट की तरफ चले जाएगा। सत्व रजव तम की वृद्धि में अगला जन्म क्या होगा। मान लो यहाँ हमने रजोगुण को दबा दिया, हम सात्विक की तरफ चले गए, तो अगला जन्म हमारा क्या होगा। हाल फिलहाल हम मान लो सात्विक में जी रहे हैं, तो अगला जन्म क्या होगा। सत्व प्रकृति से हम दिव्य स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी। हम जैसे आपने बहुत सारे ऐसे संत महात्माओं की ऐसी कहानियां सुनी होगी
कि उन्होंने जन्म लिया, जन्म लेते ही वो मतलब उनका जो जन्म होगा वो ऐसी जगह पर होगा जहां उनको वो सात्विक प्रकृति का ही माहौल होगा। ठीक है, जैसे गुरु गोरखनाथ जी को आपने देखा होगा ना, उसको संत ले गए थे, कृष्ण भगवान जी छोटे से थे वो लोगों का दिल जीतने लग गए थे, और जी महात्मा बुद्ध को छोटे से जी को उनको भी सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था, और भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं छोटे छोटे लोग जो बहुत जैसे बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर लेते हैं, तो उनके जो पीछे के जो जन्म होते हैं उन पे उन्हीं के जो उनके कर्मों का फल है वो निर्धारण करता है उनका अगला जन्म कैसा होगा। ऐसी रजस प्रकृति होती है, रजस प्रकृति में मनुष्य लोक की प्राप्ति होगी, फिर से आदमी क्योंकि लालसा वो बंधी रहती है, तो अगला जन्म फिर उसका मनुष्य लोक की प्राप्ति होगी उसको, क्योंकि जो भोग जो उन्हें कर्म किए थे उनका जो फल है उन फलों को भोगने के लिए फिर से उसका जन्म होगा। तामस जो प्रकृति है इसमें आदमी जैसे कर्म किए उसके अनुसार उसका जो अगला जन्म होता है वो कीट पशु आदि मूढ़ योनियों यानी के बहुत गर्त वाली योनियों में उत्पन्न होता है। सत रज व तम का फल क्या होता है? सत्व से हमें सुख होता है, प्राप्त ज्ञान प्राप्त होता है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, आहिस्ता आहिस्ता हमें मोह से दूर होने लग जाते हैं और वैराग्य की तरफ चले जाते हैं। रज से हमें दुख उत्पन्न होता है क्योंकि लालसा बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेगी, इच्छाएं उत्पन्न हुई उसको बढ़ाने के आदमी दिन रात मेहनत करेगा, अगर उसमें अचीवमेंट नहीं मिलेगी तो फिर उसको दुख होएगा और आखिरी में जाके दुख ही होता है। सुख होता है कुछ क्षण का होता है, अंत जो उसका वो दुख ही होता है। ऐसे ही तामसिक प्रकृति होती है, इसमें अज्ञानता होती है, अज्ञान ही बढ़ेगा इसमें। सत रज व तम से क्या उत्पन्न होता है? इससे ज्ञान हो गया, लोभ हो गया, इससे प्रमाद मोह अज्ञान हो गया। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आहार, क्योंकि हम आयुर्वेद पढ़ रहे तो इसमें आहार मुख्य है, तो आहार कैसा होना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार? श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय में सभी प्राणियों को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन प्रिय होता है। सभी जो हमारी जितनी भी जो जितने भी प्राणी होते हैं सभी को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन प्रिय होता है। सात्विक व्यक्ति जो होता है उसका प्रिय आहार कौन सा होना चाहिए? उसको आयु वाला जो दीर्घायु की तरफ लेके जाए, उसमें बल ज्यादा हो, ताकत ज्यादा हो, उसमें बुद्धि जो होती है वो बुद्धि हमारी तीव्र बुद्धि वाला हो, ठीक है, मेधा बुद्धि वाला हो, आरोग्यता की तरफ उसमें बीमारियां ना हो, सुख की प्राप्ति कराए, प्रीति को बढ़ाने वाला, चैन को बढ़ाने वाला, रस युक्त चिकने व स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाले आहार सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। तो देखा मैंने आपको बोला था ना कि सुमधुर सुस्निग्ध का जिक्र सब जगह पढ़ने को मिलेगा, तो ये सुस्निग्ध है चिकना, जो सात्विक प्रकृति का व्यक्ति होगा उनकी इच्छाएं इनकी तरफ होगी। ठीक है, ये जो आप हमने पढ़े हैं आरोग्यता की तरफ सुख की प्राप्ति कराने वाला, चैन की प्राप्ति कराने वाला, चिकने स्थिर रहने वाले, चंचल मन को चंचल न करने वाले और स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाले जो आहार होते हैं वो सात्विक प्रकृति के होते हैं। हालांकि प्रिय तो सबको इनको अपने होते हैं, इनको अपने अपने प्रिय होते हैं, वो तो इन पर डिपेंड होता है। चार, राजसिक व्यक्ति को प्रिय आहार कटु अमल लवण अधिक गर्म तीक्ष्ण रूक्ष रुद्र रुद्र हो गया, दुख चिंता व रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार जो होता है वो राजस पुरुष को प्रिय होता है। इसको आप अपने समाज से समझ सकते हैं, जिनमें लालच ज्यादा बढ़ता है क्योंकि वो घर की तरफ कम जा पाते हैं, या अपने घर से टिफिन लेके गए काम पे इतना लगे, ऑफिस में बॉस ने टारगेट दिया, टारगेट को पूरा करने के लिए लगे रहे, यूं का यूं टिफिन वापस आ गया घर पे, आते आते रास्ते में से कुछ भी खा पी लिया तो, और जितना व्यक्ति बाहर का खाता है उतना ही व्यक्ति बाहर का हो जाता है, घर से उसका कम हो जाता रिश्ता, क्योंकि बाहर वाला जो है वो लालची होता है और वही लालच अपने ऊपर अप्लाई होता है, उसके जो जो भोजन बनाता है उस समय उसकी जो प्रकृति होती है बस उसकी इतनी उसकी माइंड में जो सोच होती है उसकी भावना होती है वो यही होती है कि भाई मैं बना रहा हूँ आप खाइए मेरे को पैसे दीजिए, उसके बाद आप कहीं जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप भाड़ में जाओ, तो उसमें लालच है, जो भोजन उसने बनाया उस लालची मन से वो लालच ही खाने वाले में बढ़ जाता है। जो जो लोग बाहर का ज्यादा खाते हैं वो लालची होते हैं, वो पैसे के हो जाते हैं, और जो पैसे का होता है वो किसी का नहीं होता। तामसिक व्यक्ति को प्रिय आहार, तामसिक व्यक्ति जिनकी प्रकृति होती है तामसिक, वो एक प्रहर से पहले बना हुआ भोजन
रस रहित भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन, बासी और झूठा भोजन, अपवित्र भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा तामसिक प्रकृति जो होती है वो हमारी निद्रा से आलस्य से बढ़ती है। अब खाना 8 बजे बन गया, वो आलसी है, उठ नहीं रहा, तो देखो एक प्रहर से पहले बना हुआ भोजन, एक प्रहर तो उसका स्किप होगा। ठीक है, रस रहित भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन। अब देखो श्रीमद भगवद गीता में कहीं ये नहीं कहा गया आपको शराब पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, उन्होंने ये लिख दिया बस दुर्गंध युक्त भोजन। अगर उससे स्मेल आ रही है तो आपको देख लो, आप पे डिपेंड है आपने उसका सेवन करना है या नहीं करना, मांस मिट्टी का सेवन आपने करना है या नहीं करना, उसमें से स्मेल आ रही है नहीं आ रही, तो दुर्गंध युक्त लिख के इतना छोड़ दिया बस। बासी और झूठा भोजन, झूठा का मतलब होता है किसी बीमार व्यक्ति का झूठा, ऐसे समझा जाता है। वैसे झूठा भोजन ऐसा नहीं होता कि सामान्य आप घर में हो तो झूठा भोजन कर सकते हो एक दूसरे का, पर ऐसा नहीं कि झूठा भोजन बोला जाता है बीमार व्यक्ति का भोजन। श्री राम जी ने जब सबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, ठीक है, वो तो द्वापर युग की बात है, उसके बाद सतयुग आया। अपवित्र भोजन हो गया, तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया आयुर्वेद। अब किसी का कोई डाउट हो तो आप बताइए, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ठीक है, तो आ जाएगा समझ में। फिर भी अगर कोई डाउट है मैं हूं आपके लिए। सर ये रुंद्र मतलब क्या होता है? रुंद्र मतलब? हाँ सर ये इसमें लिखा हुआ है राजसिक में। रुंद्र, रुंद्र हो गया सूखा भोजन ही समझिए आप। ओके सर। हाँ,